हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। सिक्स फेथ जिसका एग्जाम बचा हुआ दोस्तों आपका, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर वन देखें। इसमें टोटल हम 30 क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। कितना क्वेश्चन होगा दोस्तों, टोटल आपका कितना होगा, इसमें 30 क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो कि RRB NTPC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको बता दूंगा दोस्तों कि सिक्स फेथ का आपका इंटीमेशन लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो आप अपना सेंटर देख लीजिए जहाँ पे हो। और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यदि आप अच्छे से किए होंगे तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा। और एक प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए, ये पैटर्न जो होगा दोस्तों वो आपका TCS एग्ज़ाम पैटर्न पे होगा, जो कि आपके हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और पाँचवा फेज का एक दो दिन और एग्ज़ाम बचा हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो उसको देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए मैंने एक सेट तैयार किया है, जिसमें से हम अर्थमेटिक देखेंगे आज। वनली इसमें अर्थमेटिक होगा। प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपका जो कि TCS अभी पूछ रहा है उसी पैटर्न को देखते हुए ये पहला सेट होगा दोस्तों। लगभग आपको सेट जो आएगा हमारे हिसाब से, यदि पूरे सेट को तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जितने भी एग्जाम एनालिसिस हुए हैं दोस्तों, जितने भी एग्जाम एनालिसिस हमने किए हैं, सारे वीडियो को देख लीजिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, अभी समय आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का, सेट बनाइए। और जितना भी ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर GK का भी डाला हुआ, वहाँ से आप देख लीजिए। मैथ का मैंने लगभग सारे अपलोड कर दिए, उसको भी देख लीजिए। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम मैथ्स विद विवेक में ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद एडवांस मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का जो कोर्स है वो चल रहा है, मेंसुरेशन स्टार्ट है, ठीक है, वो भी देख लीजिए, ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम ग्रुप डी है और सिक्स फेज और सातवां फेज भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें सिक्स फेज में मान लीजिए 6 लाख स्टूडेंट है और जो शेष बचे का वो सातवां फेज में होगा, तो उन दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, छठा फेज, सातवां फेज और ग्रुप डी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 1/2 + 1/2 / 1/2 बराबर कितना होगा। इस भागा को हम चेंज यदि हम गुना में कर देते तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 + 1/2 × 2/1 हो जाएगा, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बच जाएगा आपको, 1/2 + 1 बराबर कितना होगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 × 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, 1 + 1 + 1/2 का मान कितना होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो नीचे से हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा कितना, 1 + 1/2 एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 2 × 1 कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो अब देखिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल बगल में देख लीजिए, 1/3/2 है, तो आपको यदि इसका भागा, इसका मतलब क्या है, 1 में भागा लग रहा है कितना, 3/2, भागा को गुणा में चेंज करेंगे कितना होगा, 2/3, मतलब कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पलट के कहाँ चले गया, यहाँ पे चले गया, कितना हो गया, 2/3 हो गया, ये भी पलट के यहाँ चल जाएगा, कितना होगा, 1 + 2/3 हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 × 2 कितना हो गया, 5/3 हो गया, आंसर हो गया 5/3, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। भिन्न का जोड़ हो और बहुत बड़ा हो तो ये कैसे बनाएगा, इसको देखते हैं। इसको बनाना कैसे, कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको गुणनखंड करके तोड़ना है, दो लगातार नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में दो लगातार सम संख्या होना चाहिए, या तो विषम संख्या होना चाहिए या कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है वो बताते हैं आपको। देखिए ये 4 × 5 में टूट दीजिए इसको, ये 5 × 6, ये 6 × 7, ये 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10 हो गया, 10 × 11 हो जाएगा और ये 11 × 12 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये दोनों के बीच का जो टोड़ है इसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, ठीक है, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आ गया। तो आप इसको बनाएंगे कैसे, 1/ कॉमन डिफरेंस होगा 1/ छोटा संख्या माइनस 1/ क्या हो जाएगा, बड़ा संख्या, क्या आ जाएगा आपको, बड़ा संख्या। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 1 है, तो 1 लिख दीजिए, 1/1 हो जाएगा। और छोटा संख्या मेरा कितना है, सबसे देखिए ये 4 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 12 है, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, माइनस 1/12 हो गया। तो अब एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 4 × 3 = 12 हो गया, 1 हो गया, 2/ कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 1/6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या आपको, सी है, 1/6 है, ठीक है, आंसर कितना हो गया, 1/6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बल्ला के निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो ये देखिए 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, 4/5 है। तो इसको बनाने के लिए देखिए क्या है कि दोनों का अंतर ले लीजिए, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक से हम 6 में भगा देंगे, इसमें हम भगा देंगे, भागफल कितना आएगा 6 आएगा, 6-5 का अंतर कितना हो गया एक हो गया, एक से 5 भगा देंगे भागफल कितना आएगा 5 आ जाएगा, 7 और 8 का अंतर कितना आएगा एक आएगा, एक से भगा देंगे 7 में भागफल कितना आएगा 7 आएगा, 4-5 का अंतर एक आएगा, एक से भगा देंगे 4 में भागफल कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, क्या बड़ा है इसमें दोस्तों 7 बड़ा है। अब 7 बड़ा है तो देखिए 7 के बड़ा के सामने क्या है आपको 7/8 है, तो 7/8 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √√12 + √12 + √12 ·∞ का मान बताना है। तो इसको देखिए क्या करना कि दो लगातार नेचुरल नंबरों में इसको तोड़ दीजिए। दो लगातार नेचुरल नंबर में कैसे टूटेगा, ये 3 और 4 में टूटेगा। किसमें टूटेगा? 3 और 4 में। यदि प्रश्न आपका प्लस में हो, यदि प्रश्न प्लस में हो तो आपका जो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। यदि माइनस में हो, यदि आपका ये क्वेश्चन माइनस में होगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीचे 20 हो गया ·∞ हो गया। अब देखिए दोनों का गुणनखंड कीजिए, तो दो लगातार नेचुरल नंबर टूटेगा 4 और 5, इसका आंसर कितना होना चाहिए 4 होगा। और यदि यहाँ पे प्लस रहता तो कितना होता 5 होता, तो माइनस से कितना हो गया छोटा वैल्यू लेंगे और प्लस में रहेगा तो बड़ा वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पे पावर एम पर पावर एन बराबर ए पर पावर एन इंटू एन हो तो एम का मान कितना होगा? ए पर पावर एम होल पावर कितना है एन है, उसके बाद है ए पर पावर एम कोष्ट बंद करके कितना है एन है। तो पूछा कि एम का मान कितना होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका जो पावर है कितना है पावर एम पर पावर एन, इधर कितना है पावर एम इंटू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम इंटू एन हो जाएगा, चूँकि कोष्ट का मतलब गुना होगा। अब देखिए एम वाले को एक जगह कर लीजिए, कितना हो गया एम बराबर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है भागा में है, पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो एम पर पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन बराबर कितना हो गया एन हो गया। यहाँ पे पावर नहीं छिपा हुआ, कितना छिपा हुआ 1 छिपा हुआ है, तो एम का मान कितना हो जाएगा? आपको पता होगा यदि पावर इंटरचेंज होता है तो पावर का क्या होता है ये बेस चेंज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका एन पे पावर 1 पहले से है और ये इधर जाएगा तो प्लट जाएगा, कितना होगा एन माइनस 1 हो जाएगा, तो एम बराबर एन पे पावर 1 माइनस एन बटे एम हो गया। चलिए देखिए कैसे, जैसे ए पर पावर एम बी पर पावर एन हो, ए का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा बी पर पावर एन बटे एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या छिपा हुआ एक है, जैसे ही बराबर उधर जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। यदि बी का पूछता तो कितना होगा एम बटे एन हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे एक्स पर पावर एम बटे एन वाई पर पावर टी हो तो वाई का एक्स का मान कितना होगा, ये कितना हो जाएगा यदि इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा टी गुना एन बटे एम आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है आपको एन पर पावर 1/(n-1) ऑप्शन नंबर बी हो गया। कहता कि 4 सम संख्याओं का योगफल कितना है 100 है, तो छोटी सम संख्या कौन सी होंगी? देखिए क्या होता है कि योगफल जो होता है योगफल बटे नंबर ऑफ राशि होता है, क्या होता है नंबर ऑफ राशि होता है, बराबर कितना हो गया मिडिल संख्या हो गया, कितना हो गया मिडिल संख्या हो गया। तो योगफल कितना है आपका 100 है बटे कितना क्या को संख्या है 4 को है, कितना हो गया 25 हो गया, बीच में कितना हो गया 25 हो गया। हमको पूछा कौन संख्या, सम संख्या, आगे जितना आगे जाएंगे उतना पीछे जाएंगे, तो 25 के बाद 26 होगा मेरा सम संख्या, पीछे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, पीछे कितना हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। अब देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 1, 2, 3 आपका 4 ये हो गया, इस 4 में से सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता कि संख्या 111 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित होगी? यदि कोई संख्या या डिजिट 6 बार रिपीट होता है, 3 3 हो गया, 2 2 2 2 2 ये 6 बार रिपीट हो रहा, ये किन किन संख्या से विभाजित होगा? ये होगा आपको 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाजित होगा। कोई भी डिजिट या संख्या 6 बार जब रिपीट होता है, 6 बार रिपीट हो वो 3, 11, 13, 13, 37 से विभाजित होगा। यहाँ देखिए ए कितना बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, ये किससे विभाजित होगा 11 से भी होगा, 7 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 6, 5, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, 2 बचता है। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, आप
दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम निकालने से क्या होगा, ये सबसे कट जाएगा और हमको शेष कितना बचाना, दो, तो दो जोड़ देंगे लास्ट में। ये चार यहाँ से कट जाएगा, दो बार में लगेगा, दो तीन छः, पाँच हो गया, सात हो गया, दो चौका आठ हो गया, गुना करते हैं, तीन दूनी छः, पंचायत तीस, सत्य 210, 210 गुना चार कर दीजिए कितना होता है, ठीक है 840 हो गया। तो जो संख्या मेरा होगा 840 प्लस दो कितना हो जाएगा, 842 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता कि दूध तथा पानी के 20 केजी के मिश्रण में 15% पानी है, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, तो मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए मिश्रण मेरे पास कितना है, मिश्रण कितना 20 केजी है, जिसमें पानी मेरा कितना है 15% है, 20 का कितना हो गया 15%, कितना हो गया 20 पंचे 100 हो गया, तो काट देंगे 5 दिया 15 हो गया, पानी हो गया 3, दूध कितना हो जाएगा आपको 17 केजी हो जाएगा। अब बोला कि 5 लीटर पानी डाला जाता है, जब 5 लीटर पानी डाला जाएगा तो ये टोटल मेरे पास मिश्रण 20 है, तो अब 5 लीटर यदि हम इसमें पानी मिला देते हैं तो अब जो मिश्रण होगा कितना होगा, अब जो मिश्रण होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 25 केजी हो जाएगा, कितना होगा 25 केजी, क्योंकि जब पानी मिला दिए तो दूध की मात्रा कितना ही रहेगा 17 ही लीटर होगा, तो दूध का प्रतिशत पूछा है कितना होगा, दूध का मात्रा कितना है 17, टोटल मिश्रण कितना हो गया 25 गुना कितना होगा 100%, 25 चौके 100 हो गया, 17 चौके 68% मेरा आंसर हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता कि तीन मित्र 624 रुपया को आपस में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं, तीसरा मित्र का हिस्सा कितना होगा। देखिए 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 रेशियो का भी भिन्न में हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट रेशियो में चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट रेशियो में चेंज करने के लिए करेंगे कि हर का जितना भी है उसका एलसीएम लेंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, उसी 12 से सभी रेशियो में हम गुना कर देंगे, इसको काट देंगे तो 6 × 12 6 हो गया, 3 × 12 हो गया, 4 × 12 हो गया, तो 6:4:3 हो गया। पूछा है तीसरा मित्र का हिस्सा कितना होगा, तीसरा मित्र का जो हिस्सा होगा कितना हो जाएगा, जिसका पूछेगा उसका रेशियो लेंगे, टोटल राशि 624 रुपया है, नीचे अनुपात का योग होता है 6 × 4 = 10 = 13 हो गया, 13 × 52 हो गया, 13 × 104 हो गया, 8 × 3 = 24 हो गया, 4 × 12 = 14 हो गया, 144 रुपया आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8:25 समानुपात कहते हैं इसको, 56:x, x का मान कितना होगा, रेशियो होगा, जिसको हम भिन्न में बदल देते हैं 8/25 और अनुपात को बराबर का चिन्ह दे देंगे, 56 कितना हो गया x हो गया, 8×7 = 56 हो गया, 25×7 = 175 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्की तथा सुम्मी का 1:2:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों का 1:11:15 होता है, सुमी की वर्तमान आयु कितनी होगी। आप देखिए डिक्की हो गया और कौन हो गया आपको, सुमी हो गया, ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया आपको 2:3 हो गया, अब ये कितना हो गया 2x हो गया, ये कितना हो गया 3x हो गया, रेशियो को हटाने के बाद किसी वेरिएबल से गुना करते हैं, बोलता है कि 12 वर्ष बाद तो 12 वर्ष बाद क्या हो गया 2x + 12 अब बटे 3x + 12 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाता है 11:15, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे 11/15 हो गया, तो दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 15 × 2 = 30x हो गया, प्लस 15 × 12 करेंगे 180 आएगा, बराबर 11 × 33x + 12 × 132 हो जाएगा, 33x 30x घटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 3x हो जाएगा, 180 में 132 घटा देंगे कितना आएगा 48 आएगा, x का मान कितना हो गया 16 हो गया। पूछा है सुम्मी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 3 × 16 कितना हो गया 48 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा। अब देखिए वो 6 संख्या पता नहीं है कौन कौन है, ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 72 दिया है, चलो मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 12 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 घटाना है, प्रत्येक संख्या में 2 हम घटा देंगे यदि, ठीक है 2 घटा देते हैं तो कितना बार घटाना होगा, 2 - 2 = 6, 6 × 2 =
माइनस 12 करेंगे तो अब जो संख्या होगा मेरा कितना होगा, 72 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो इसका एवरेज निकाल लेंगे, 6 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो बेसिक तरीका हो गया, ये ऐसे बनाना है। देखिए कहा था 6 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या जो संख्या के साथ करेगा वही एवरेज के साथ कर दीजिए। तो एवरेज मेरे पास दिया हुआ 12, 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि बोला जाए कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यदि बोलेगा प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यदि बोलेगा प्रत्येक में 2 से भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत कितना होगा। तो देखिए किसी भी लगातार संख्या का आपको यदि एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया आपको, 3 हो जाएगा। तो पहला टर्म 3 होगा, दसवां संख्या कौन होगा, 3 के प्रथम 10 अपवर्त, अपवर्त मतलब हो गया 3 का पहाड़ा, दसवां 30 कौन होगा आपको, 3 का जो 10 बार दसवां बार पढ़ेंगे तो क्या हो गया, 10 या 30 हो जाएगा। तो पहला टर्म 3 हो गया, अंतिम टर्म 30 हो गया, लास्ट टर्म 30 हो गया, बट्टे 2 हो गया, 33 बट्टे 2 हो जाएगा, 16.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.2 रुपया प्रति किलो वाले चावल और 7.2 रुपया प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिला जाए कि मिश्रण 6.5 किलो प्रति किलो हो जाए। मिश्रण का एक रूल है कि एक दाम यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक दाम यहाँ पे रहेगा, दो दाम हो गया और दोनों का मिला हुआ दाम रहेगा जो मिलाएंगे, ठीक है। तो जो मिलाने वाला होगा यहाँ एवरेज होगा, तो अब दोनों को मिलाने के बाद जो रेशियो आएगा वो आपको एक यहाँ पे लिखना और यहाँ पे लिखना। तो कैसे लिखेंगे, ये दोनों को घटा के आपको यहाँ पे लिखना है और ये दोनों घटा के आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला दाम है आपको 6.20, उसके बाद है 7.20, दोनों को मिलाने के बाद मेरा कितना हो जाता है 6.50। ये दोनों के बीच में ही होगा दाम, ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में होगा। अब देखिए इसको घटा के हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, और ये दोनों को घटा के कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। जो रूल है आपका मिश्रण का, किसी में किसी से घटाइए कोई दिक्कत नहीं है, 6.50 यहाँ 6.20 है तो घटा देंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को घटाएंगे कितना होगा, 0.70 हो जाएगा। तो ये दशमलव उड़ जाएगा, 300 भी कट जाएगा, बीच में रेशियो होगा तो 7:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लीटर मिश्रण के पानी की मात्रा में 10% की मात्रा, पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डाला जाए कि दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब देखिए टोटल मिश्रण मेरे पास कितना है, टोटल मिश्रण हो गया कितना आपको, 100 लीटर हो गया, जिसमें कि पानी की मात्रा कितना है आपको मेरा 10%, 100 का 10% 10 लीटर हो जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया। दूध कितना हो जाएगा मेरा, 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है कि 50 बाद में जो मिश्रण मिलाने के बाद कितना पानी डालेंगे कि दूध की मात्रा, यानी कि कितना पानी डाला जाए कि दूध की मात्रा कितना हो जाएगा आपको, 50%। जब बाद में दूध की मात्रा 50% होगा तो पानी कितना होना चाहिए आपका, पानी भी कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अब देखिए दूध बटे हम पानी कर देते हैं, दूध बटे पानी कर देते हैं, बराबर 50/50 होगा, ठीक है। अब देखिए दूध मेरा 90 है, मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, पानी सिर्फ मिलाना तो 10x मान लेते हैं, 50/50 हो गया, ये कट जाएगा आपको, तो 90 बराबर हो जाएगा 10+x, x का मान कितना हो जाएगा आपको, x का मान कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3450 रुपये के 40% का 50% कितना होगा। ये आसान क्वेश्चन है, 3450 का मतलब गुना हो गया 40/ कितना हो गया, 100 हो गया, गुना कितना हो गया, 50/100 हो गया। अब देखिए ये तो सुनना, ये सुनना, ये सुनना कट गया आपका, ये सुनना, ये सुनना कट गया। अब 345 को गुना करेंगे 520/10, 0 0 से भी कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 × 10, 4 × 8, 1 × 9, 3 × 6, 690 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किया बी के ऐसे 60% अधिक है तो बी किया ए किया से कितना प्रतिशत कम होगा। तो दो है ए और बी है, इसको 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब देखिए कितना रुपया अधिक हो गया, ये 60, कितना रुपया कम हो गया, 60 हो गया। अब देखिए बोला है यहाँ जब बी से हम ए जा रहे हैं, बी से आ जा रहे हैं 60% अधिक है, अब पूछा है कि ए से बी जाएंगे तो कितना प्रतिशत कम होगा, ध्यान रखिएगा दोनों का मान सेम नहीं होगा, तो प्रतिशत कमी हो जाएगा आपको। तो कितना का कमी है, 60 का,
अब किससे तुलना कर रहे हैं, ए से जा रहे हैं, बी से जा रहे थे 100, अब ए से जा रहे हैं बी में, तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100 कर देंगे। या तो आपको क्या करना है, जितना कम या ज़्यादा होगा उसको ऊपर लिख लेंगे, और से जिसमें लगा होगा, जिससे अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से लगा होगा उसको नीचे लिखेंगे, से ए में लगा हुआ तो 160 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 0 0 कट गया, 3 2 6 हो गया, 8 2 16, 2 4 8, 2500 हो गया, तो 75/2 हो गया, मतलब 37 पूर्णांक 1/2% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 37 पूर्णांक 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, कुल कितने मत पड़े। आप देखिए चुनाव में एक आदमी को आया 30%, तो ये दूसरा को कितना आया होगा, 70% आया होगा। अब देखिए कितना से जीता, ये 40% वोट से जीता है, वोट जीतने वाला 40% है, तो वोट की संख्या कितना है, जीतने वाला 16,000 है, 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 16,000 बटे कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी वोटिंग होता तो 100% पे होगा, तो 100% वोट मेरा कितना है, 40 × 100 कर देंगे, ठीक है, 40 × 16 हो जाएगा, अब 40,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए उसका क्रय मूल्य कितना होगा। जब किसी वस्तु को आपको बेचना होगा बार बार तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए सीपी बराबर होता है आपको SP × 100, नीचे होगा 100 ± R, R जो होता है वो प्रतिशत लाभ या हानि होता है, प्लस लेंगे कब, जब लाभ होगा, हानि कब लेंगे, हानि का लेना है कब, जब माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सीपी निकालना है यहाँ पे, तो SP मेरे पास पहली बार कितना है, 178 × 100, और नीचे कितना हो जाएगा, 111 का हानि हुआ था, 89 हो गया, दो बार में कट जाएगा ये, ठीक है, ये सीपी कितना हो गया, 200 हो गया। अब हमको लाभ कमाना है कितना, 11%, SP कितना हो जाएगा, SP बराबर होता है CP × 100 ± R/100 होता है, CP का वैल्यू मेरा कितना आया है, 200 आया है, और लाभ कितना कम आया है, 11% 111/100 हो गया, ये 0 0 कट गया है, 222 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रयमूल 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये क्वेश्चन बार बार भी पहले करवा आदमी, 12 पेन का क्रयमूल, क्रयमूल सीपी हो गया, बराबर 8 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कभी भी पड़ोसी आपका वैल्यू नहीं हो सकता है, तो जो सीपी का वैल्यू होगा कितना होगा, 8 होगा, तो सीपी मेरा कितना हो गया, 8 हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब देखिए 8 रुपये में खरीदे, 12 रुपये में बेच दिए, तो कितना का लाभ हो गया, 4 का लाभ हो गया, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपका, 4 × 100 / क्रयमूल, क्रयमूल कितना है, 8 है, ये 4 × 8 हो गया, काट देंगे कितना हो गया आपको, 50% आपका आंसर हो गया, ऑप्शन कहाँ पे आपका 50%, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 10 रुपये में 12 की दर से कुछ पेंसिलें खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका से बताता हूँ, 10 रुपये में 12 की दर से खरीदता है और 12 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, आपको करना क्या कि इस साइड आपको हमेशा SP लिखना है और इस साइड हमेशा CP लिखना है, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया, 12 × 12 कितना हो गया, 144 हो गया। अब देखिए खरीदे 100 में, बेचे कितना, 144 में, कितना का लाभ हो गया, 44 का लाभ हो गया, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा आपको, 44 / क्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा, 100 100 कट गया, कितना हो गया, 44% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है, किसी शोरूम पर एक वस्तु की सूची मूल्य, सूची मूल्य होता क्या, MRP 2000 रुपया तथा वह 20% और 10% की दो क्रमिक बटनों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना होगा। शुद्ध विक्रय मूल्य SP बराबर हो जाएगा MRP × 100 − D1/100 × 100 − D2/100 कर देंगे, तो MRP मेरे पास कितना रुपया है, 2000 है, दो बार छूट पे बेचा गया है, तो एक बार 20%, तो कितना हो जाएगा, 80/100 और दूसरा बार 90/100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 0 3 0 काट दीजिए, 1 0 1 0 कट जाएगा आपका, 2 × कितना हो गया, 9 8 72 720 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 2 2 4 7 2 14 1440 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ किस मात्र कटौती के समतुल्य होंगी? ये आपको डिस्काउंट समतुल बट्टा है, आपको समतुल बट्टा निकालना है। यदि दो बट्टा लगातार दिया तो समतुल बट्टा कितना होगा? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बट्टे 100 होता है, ठीक है। ये हो गया आपको कितना, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बट्टे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा आपका, 10 10 20 10 30 माइनस 2 कितना हो गया? 28% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन लिखिए है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए दिन को पलटे की क्षमता आएगा तो ए का जो क्षमता होगा कितना हो गया, 1/10 हो जाएगा। बी का क्षमता कितना हो गया, 1/15 हो जाएगा। और ए प्लस बी का जो क्षमता होगा 1/10 प्लस 1/15 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 + 30 बना दो ना 30, कितना हो गया, 6 × 3 = 5, 5 × 6 = 30 हो गया। 1/ कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्षमता है, क्षमता को पलट दीजिए दिन आएगा, 6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। इसके बाद है 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकता है, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनेगा? तो आपको पहले भी बताएं कि M1 D1 H1 / W1 होता है बराबर M2 D2 H2 / कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ये हो गया मेन, ये हो गया डीज, ये हो गया आवर। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है मेन की जगह, आपको ये इतना भी सजीव है जानवर है वो भी हो सकता है आपको। और W1 में क्या हो गया, आपको क्या क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई आयतन हो जाएगा आपका, संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो 4 बुनकर हो गया, 4 कितना दिन में कर, जितना 4 चटाई तो नीचे हो जाएगा, ये चटाई की संख्या है ये, और दिन ऊपर हो जाएगा आपको 4। अब पूछा क्या है कि 8 दिन में कितना चटाई बनेगा, नहीं पता। ये 4 कट गया, 4 × 2 = 8 हो गया। 8 = कितना हो गया, 16 आपको चटाई हो जाएगा, 16 चटाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा 25 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए कितने समय में भर जाएगा? अब देखिए इसमें क्या है कि जब दोनों नल को भरते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे। दोनों की क्षमता को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहला नल का क्षमता हो जाएगा 1/25 और दूसरा नल का क्षमता नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि खाली कर रहा है, 1/50 हो जाएगा। तो 1/25 माइनस 1/50 हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा, 25 × 50 1, तो 1/ कितना हो गया, 50 हो जाएगा। आपको पॉजिटिव आया तो मतलब भरेगा, नेगेटिव आएगा तो खाली करेगा, तो 50 पलट देंगे कितना हो गया, 50 मीटर आप आंसर हो जाएगा, भर जाएगा हो 50 मीटर। 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपको दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है दोस्तों आपका, 100 मीटर और चाल कितना, 36, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो दूरी बराबर जो होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। आप देखिए किलोमीटर पर आवर को बदल दीजिए मीटर में, ठीक है। तो ये कितना है आपको, 36 है ना, तो 36 है तो किस में बदलना है, एक बताए थे 5/18 या 18/5, हमको किधर बदलना है, आपको छोटी की तरफ जाना है तो छोटा वैल्यू ले लेंगे, 5/18 हो गया, 18 × 2 कितना हो गया, 36 हो गया, 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये काट दीजिए गया, काट दीजिए 5 × 2 = 10, 10 हो जाएगा इसका आंसर, या आपका 10 सेकेंड क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।